Hello aspirants, welcome to Global Online University. My name is Zeba. I hope you guys are doing well और आपकी UGC NET की preparations भी अच्छी जा रही होंगी. मैंने Information and Communication Technology पे एक सीरीज़ बनाई है, उसका ये 5th एपिसोड है. आई होप आपने वो चारों मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है. इस वीडियो की खासियत यह है कि इसमें मैंने एब्रीविएशंस डिस्कस किए हैं, सारे एब्रीविएशंस हैं और एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. तो इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश की है और आई होप एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करे. सो लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने आपके लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है फॉर UGC NET पेपर 1, जिसमें हम आपको 20 मॉक टेस्ट उनकी PDFs के साथ प्रोवाइड करेंगे. आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे, आप उस पर डिस्कशंस कर सकते हैं. आप UGC NET के एजुकेटर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे और इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके ग्रुप में ज्वाइन करने से लेकर एग्ज़ाम के रिजल्ट आने तक ओनली एट ₹299. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. ICT, it stands for Information and Communication Technology. ये वो एजुकेशन का मोड है जिसमें हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन को सपोर्ट, एनहांस और ऑप्टिमाइज करते हैं. नेक्स्ट NPTEL, it stands for National Program on Technology Enhanced Learning. इसको फंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विथ IIT मद्रास एंड अदर IITs, और इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में. नेक्स्ट FORTRAN, इट स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन. ये फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जॉन बैकर्स ने डेवलप किया था 1957 में. फॉर्ट्रन से पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में होती थी, जिसमें प्रोग्रामर्स को बाइनरी में इंस्ट्रक्शंस लिखने होते थे. इस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए जॉन बैकर्स ने फॉर्ट्रन डेवलप की ताकि प्रोग्रामिंग सिंपल हो जाए. नेक्स्ट CSS, इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. It is a style sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language like HTML. जैसे HTML में जो हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर सकते, उसको किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टाइल या उसकी प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं. नेक्स्ट USB, it stands for Universal Serial Bus. It is a type of computer port which can be used to connect equipment to a computer. जैसे हम कैमरे को जब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक USB कॉर्ड को यूज़ करते हैं, उस USB का फुल फॉर्म होता है Universal Serial Bus. Next question. LCD, it stands for लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ये एक तरीके का फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जो टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज़ होता है, और इसमें पोलराइज ग्लास के बीच में लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल होता है. इसके कई एडवांटेजेस हैं जिसमें से उसकी थिकनेस और उसका लाइट वेट एक उसका एडवांटेज है, और इट ऑल्सो यूजेस लो पावर. नेक्स्ट ASCII, it stands for American Standard Code for Information Interchange. ये एक तरीके की कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती है. इसमें हर कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर का एक ASCII कोड होता है, और हर ASCII कोड 7 बिट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करता है. नेक्स्ट CAD, it stands for Computer Aided Design. ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स या ड्राफ्टर्स यूज़ करते हैं टू क्रिएट प्रेसिजन ड्राइंग्स और टेक्निकल इलास्ट्रेशंस.
कैड को यूज़ करके हम 2D ड्राइंग्स और 3D मॉडल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, WWW, इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। ये एक तरीके की इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहाँ डॉक्यूमेंट्स और वेब रिसोर्सेज को हम URL यूज़ करके इंटरलिंक करते हैं और हम इंटरनेट के थ्रू उसे एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट, SMTP, इट स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइंस दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट, IRC, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है फॉर रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग बिटवीन इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, और इसको बनाया गया था 1988 में। नेक्स्ट, HTTP, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ होता है और ये डिफाइन करता है कि मैसेजेस कैसे फॉर्मेट और ट्रांसमिट होंगे और वेब सर्वर्स और ब्राउजर्स क्या एक्शंस लेंगे जब उनको हम कोई कमांड प्रोवाइड करेंगे। आपने URL के स्टार्टिंग में अक्सर HTTP को देखा होगा, उसका ही फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, LAN, इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स को लिमिटेड एरिया में जब कनेक्ट करना होता है, जैसे कोई रेजिडेंशियल एरिया, स्कूल या लेबोरेटरीज, वहाँ हम LAN यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ISP, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग, यूजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट। ISP प्रोवाइडर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कमर्शियल, कम्युनिटी ओन्ड, नॉन प्रॉफिट या प्राइवेटली ओन्ड। इंडिया में कई सारी कंपनीज हैं जो हमें ये सर्विसेज देती हैं, जैसे BSNL, जियो, वोडाफोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, URL, इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक वेब पेज और फाइल ऑन द इंटरनेट। ये एग्जाम्पल को अगर देखें तो इसमें फर्स्ट पार्ट इज़ द प्रोटोकॉल और बीच में techterms.com, ये एक डोमेन है, और definition/URL ये डायरेक्टरी या फाइल का पाथ है। इसको टोटल हम मिला के बोलते हैं URL। नेक्स्ट, RAM, इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक हार्डवेयर इक्विपमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में प्रेजेंट होता है। रैम एक तरीके की टेम्प्ररी मेमोरी होती है और इस एक ये एक वॉलेटाइल मेमोरी भी है। इसमें तब तक डेटा स्टोर होता है जब तक आपका कंप्यूटर पावर से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट, रोम, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती है। और डेटा जब रोम में एक बार मैन्युफैक्चरर राइट कर देता है तो यूज़र्स उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, BCD, इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। इट इज़ अ फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी। नेक्स्ट, CD-ROM, इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरीके की ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें ऑडियो या सॉफ्टवेयर डेटा हम राइट करते हैं ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। और CD-ROM को CD-ROM ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव की मदद से रीड किया जाता है। नेक्स्ट, DVD, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये एक तरीके का ऑप्टिकल मीडिया होता है फॉर स्टोरिंग डिजिटल डेटा।
और इसका साइज ऑलमोस्ट सीडी के बराबर होता है, बट इट हैज़ अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू अ कॉम्पैक्ट डिस्क. नेक्स्ट ALU, इट स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ये एक तरीके की इंटीग्रेटेड सर्किट होती है CPU के अंदर, जिसका काम होता है अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना. अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन या शिफ्टिंग ऑपरेशंस, और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस में है बुलियन कंपैरिजन, जैसे एंड और एक्सॉर या नॉट ऑपरेशंस. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी. ऑल्सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज. बाय फॉर टूडे एंड वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर टिल देन.